अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो है ऑडियो वीडियो और आई फ्रेम क्या होता है इस मुतालिक देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से आप अपने वेब डिज़ाइनिंग के अंदर ऑडियो वीडियो और आई फ्रेम वगैरह लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, सेवेस कर लेते हैं और इसका नाम हम रखते हैं लेसन एट अंडरस्कोर मीडिया डॉट एच टी एम एल। तो हम अब मीडिया के ऊपर काम करेंगे, मीडिया, ठीक है, इंटर करके सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऑडियो को लगा सकते हैं। इससे पहले कि मैं ऑडियो या वीडियो लगाऊं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले एक फोल्डर बनाया था मीडिया के नाम से, जो कि आप ये न्यू फोल्डर या राइट क्लिक करके न्यू में जाके न्यू फोल्डर बना सकते हैं, जिस तरीके से न्यू फोल्डर बनता है। और जब न्यू फोल्डर आप बना ले तो उसका नाम मीडिया आप रखिएगा। जिस तरीके से हमने इमेजेस, जितनी भी इमेजेस हमने रखनी होती थी तो हम इमेजेस के फोल्डर में डालते थे, और अगर हमें जितनी भी ऑडियो और वीडियो अपनी वेबसाइट के अंदर लगानी है तो हम उसे अपनी मीडिया फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो इस मीडिया फोल्डर के अंदर मैंने एक MP3 सॉन्ग ले लिया है और एक MP4 वीडियो ले लिए। ये मैंने इस वजह से ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर ली, क्योंकि सर्चिंग करने में और डाउनलोड करने में जो है टाइम मुझे काफ़ी लगा, तो मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। इस वजह से ऑलरेडी मैंने एक MP3 और MP4 फाइल डाउनलोड करके इस फ्री मीडिया फोल्डर के अंदर रख ली। आप ये फाइल यूट्यूब से, गूगल से या अपने फ़ोन से किसी से भी जो है डाउनलोड करके या फिर जो है सेव करके आप अपने इस मीडिया फोल्डर के अंदर रखें, उसके बाद हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से आप ऑडियो लगा सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले एक ऐसा करते हैं कि H3 टैग देते हैं, और इस H3 टैग के अंदर हम कहते हैं ऑडियो फाइल, ठीक है, ये ऑडियो फाइल अब हम लगाने जा रहे हैं। अब ऑडियो फाइल किस तरीके से लगती है ये देख लें कि आप यहाँ पर लिखेंगे ऑडियो ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद क्लोजिंग टैग ऑडियो, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर आप उसका सोर्स बताएंगे कि आपकी ऑडियो कहाँ रखी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोर्स और SRC सोर्स। अच्छा, सोर्स ये इसके चाइल्ड एलिमेंट का नाम है और ये एट्रीब्यूट का नाम भी सोर्स ही है इसका। मुझे नहीं पता इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, इनको चाहिए था कि ये इसी के अंदर ही ऑडियो के टैग के अंदर ही ये SRC लगा देते, लेकिन नहीं किया इन लोगों ने। चलें, तो अब हम इस सोर्स के अंदर जिस तरीके से हमने अपनी इमेज लगाना सीखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से अब आपने ऑडियो का पाथ देना है, यानी कि रास्ता बताना है कि भाई आपकी मीडिया फाइल कहाँ रखी हुई, आपकी ऑडियो फाइल कहाँ रखी हुई। तो हमारी कहाँ रखी हुई मीडिया क्या फोल्डर है उसके अंदर स्लेश, और उस फाइल का नाम है, मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देते हैं .mp3, ठीक है, MP3 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू ऑडियो स्लैश MP3 P3, ठीक हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब जब ये फाइल लोड हो जाएगी तो इसका प्ले का बटन होगा, पॉज का बटन होगा वगैरह वगैरह, वो कैसे आएंगे, वो आएंगे इसके अंदर ऑडियो के अंदर जाएंगे और इधर लिख देंगे हम कंट्रोल्स, ठीक हो गया, ये कंट्रोल्स हम लिख देंगे। अब ज़रा चल के देखते हैं कि हम क्या हमारी ऑडियो आ गई है। तो हम पीछे जाते हैं, अपनी लेसन एट मीडिया को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और एंटर करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखें ऑडियो फाइल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे ये प्ले का बटन है, आप लोगों को आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि मैंने जो है हेडफोन लगाया हुआ है इस वजह से, लेकिन मुझे इसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। और अगर आप भी इसी तरीके से ऑडियो फाइल जो है डाउनलोड करके इसी तरीके से अटैच करेंगे तो आपके पास लाजमी ये आ जाएगी, ठीक हो गया। चलें जी, तो ये तो था बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑडियो फाइल लगाने का तरीका, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वीडियो फाइल किस तरीके से लगाते हैं, यानी कि MP4। ये सारा का सारा कोड मैं कॉपी करता हूँ
और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ वीडियो फाइल। अब यहाँ पे वीडियो फाइल के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ऑडियो की जगह लिख देंगे वीडियो, और यहाँ पर भी वीडियो क्लोजिंग टैग पर, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे भी ऑडियो है, यहाँ पर भी वीडियो कर देंगे, और यहाँ पे MP3 की जगह MP4 कर देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर मीडिया फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है, लेकिन इसका नाम ये नहीं है, बल्कि इसका नाम है ये वाला। कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपनी कोडिंग पर चलते हैं। कोडिंग पर चलने के बाद इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इसे .mp4 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी वीडियो फाइल आ गई है। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये हमारी वीडियो फाइल यहाँ पर आ गई है। इसको प्ले करके देखते हैं तो ये हमारी फाइल प्ले हो रही है, ठीक है। ये देखें, फाइल प्ले हो गई है। और इस तरीके से जो है आप ऑडियो और वीडियो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑडियो और वीडियो लगाई जाती हैं इनटू HTML। आप एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल इसे कहते हैं iframe। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं। iframe क्या होता है? iframe ये होता है कि अगर आपने किसी और की वेबसाइट अपनी वेबसाइट के अंदर अटैच करनी है तो वो कैसे करते हैं। iframe फाइल नहीं होती है, बस यहाँ पे लिंक लगाया जाता है बस। और किस तरीके से लगाया जाता है, आप यहाँ पे लिख देंगे iframe, और iframe करने के बाद इसे सबसे पहले क्लोज कर देते हैं iframe को, और उसके बाद यहाँ पर src सोर्स बताएंगे कि भाई हमें कौन सी वेबसाइट अपनी इस वेबसाइट के अंदर अटैच करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ जनाब YouTube की। हम ऐसा करते हैं कि वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर लेकर आ जाते हैं। कॉपी करते हैं और इसे क्लोज करके ये जो सोर्स मैंने कॉपी किया है यानी कि URL इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं इसे बताता हूँ कि जनाब आपकी जो विथ होगी, विथ वो होगी आपकी 300 pixels, और हाइट होगी आपकी 200, ठीक हो गया। और इसको भी कंट्रोल्स दे देंगे आप, ठीक है। और बस सिंपल रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर ये iframe आ गया। YouTube refused to connect, अच्छा YouTube ने मना कर दिया है कि मैं किसी और वेबसाइट में नहीं जाऊँगा, अच्छा इनकी ये पॉलिसी होगी। फिर हम कोई दूसरी वेबसाइट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं park26.com, ठीक है। और इसे सेव करते हैं, इसका https नहीं, आई थिंक http है। अब रिफ्रेश करते हैं ज़रा, तो ये देखें आपकी वेबसाइट के अंदर वेबसाइट ओपन हो रही है। इसको थोड़ा सा विथ इसकी और बढ़ा देते हैं ताकि ये हमें नज़र आए, ठीक है, अच्छे से नज़र आ जाए। तो विथ इसकी कर देते हैं फॉर एग्जांपल 800, और हाइट इसकी कर देते हैं 400, ठीक है। और अब रिफ्रेश करते हैं ज़रा, और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखें ये Park26 वालों की वेबसाइट हमारी वेबसाइट के अंदर आ गई है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ऑडियो, वीडियो और iframe जो है अपनी HTML की वेबसाइट के अंदर बआसानी इन एलिमेंट्स के ज़रिए लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये HTML का सेक्शन मैं समझता हूँ कि इसे हम रोकते हैं, यानी कि मुकम्मल हो गया तकरीबन। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम डिज़ाइनिंग करते हैं इंस्टू HTML, यानी कि अभी तक तो हम सिंपली हर चीज़ को अटैच ही करते हुए आ रहे थे ना, कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह कलर वगैरह नहीं दे रहे थे। अब हम जो है कलरिंग देना, डिज़ाइनिंग करना और चीज़ों को जो है छोटा बड़ा करना जो है इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।